शुमाली कस्बा सोपोर में रोड सेफ्टी हफ्ता के मौके पर आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामूला ने डाक बंगलो सोपोर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान साजिद याहिया नकाश आरटीओ कश्मीर बतौर मेहमानी खसूसी मौजूद थे। देखिए सोपोर से हमारे नुमाइंदे जुनेद पीरजादा की ये खास रिपोर्ट। है प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर सजाद साहब, जिसमें सबसे पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ड्राइविंग है, जिसके मैं थोड़ी बहुत कुछ निकालूंगा क्योंकि हम रोड सेफ्टी वीक का वैलिडिटी जा रहा है, हम उसको जगह नहीं दे पा रहे हैं, हमें अपने आप में सुधार बनाना ही बनाना है। चाहे ड्राइवर लाइसेंस, चाहे ये हल कर तनख बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर परेशानी सो मे कर कलमिनेशन ग रोड सेफ्टी वीक वन आज रात गई खत्म तो आज थोड़ा अखेटी कलमिनेट अच्छे मे जोर चीज वन कि पेरेंट अकिस बच्चस नसीहत कर सो नसीहत कुछ तलक तेज त मगर गर्ज अमिस पेरेंटस कि यह गोस समझ सुन यह गर्ज आमि तरीक कह मे रिवोल्ट कर चीज कर जान अदब आ बेहतर यह जाना कि ना यह मान बेहतरी खेल इस गवर्नमेंट वे ये यूटी मन यूद मकसद कि ये रोड सेफ्टी वीक के जरिए गस मैसेज अगर लुकन मन स्पेशली ट्रांसपोर्टर्स कि तुम्हें ख्याल कर अमे मूजूब ये वन कि दोन चीजन ख्याल तुम्हें दर गो अच्छा कि तु एज ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स गो हेल्थ वाइज ठीक तुहद अच्छे हूँ चेकअप गए गुन तुहद पकन तो वतन बिह ख्याल गुन तम खेस अक्सर बेशतर आलमोस्ट वरी किस वरीस रोजान कैंप्स अरेंज कर क्या तु हॉस्पिटल गु तहन पेशेंटन इलाज कर। सबसे जो अहम बात मुझे लगी कि जब भी हम गाड़ी चलाते हमें फोन आता है, रिंग बजती है, तो वी गेट क्यूरियस, हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं फोन उठाए। फोर व्हीलर चलाने के वक्त यूज करें या टू व्हीलर को चलाने के वक्त यूज करें या एज अ पेडेस्ट्रियन, ट्रक्स को रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाना, ये हमारे इस रोड सेफ्टी वीक के कुछ इवेंट्स थे जो मीडिया में भी हाईलाइट हुए कि ये मौका अच्छा है कहने का कि रोड सेफ्टी वीक जो है इसकी गर्ज और गायब क्या है, इसके मनाते क्यों है। तो मेरी समझ में जो आया कि रोड सेफ्टी वीक मनाने का मकसद यह है कि हम एक मास अवेयरनेस दे लोगों को, एक मास अवेयरनेस हो और गली गली में ये बात पहुंचे कि रोड सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी इश्यू हो, रोड सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी एस्पेक्ट हो। और मुझे लगता है और मुझे यकीन भी है कि जो बात बार 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 कही जाए उस बात का असर होता है। तो इसी सिलसिले में इस वीक को मनाया गया और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी ये जोश और खरोश से मनाया गया और खास करके ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और मीडिया वाले जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया इसमें और इसको हमने जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मास अवेयरनेस की कंपेन जो है हमने इस हफ्ते चलाई। तो इस सिलसिले में
दो तीन बातें और अर्ज करना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी वीक मनाना ही काफी नहीं, 11-12 जनवरी को खत्म हो गई, आज चूंकि 18 जनवरी है तो एक दिन का जो डिले है वो इसलिए हुआ क्योंकि मायसेल्फ हिदीर अहमद, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कश्मीर प्राकृतिक एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। एज प्रेसिडेंट मैं उधर काम करता हूँ। ये जो ये रोड, ये जरूरी है कि इस इवेंट में हमें ही हिस्सा लेना है। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टर्स है, और न्यूट्रल जो काम कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। अगर रोड सेफ्टी वीक है तो हमें ही ये समझना है जो हम में खामियां है हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना है। इधर आके हमें पता चलता है नहीं, हमसे कहीं ना कहीं पर कोताही हो रही है। Your question is concerned that our staff members are not visible on ground. It's not like that. We have the enforcement part in our official duty as well. We go to the market and other places as well, do the challaning as usual. If you see our compound amount, from that you can realize that how much challaning we have done in this year particularly, in 2022. Despite this, traffic police is there, who is continuously doing the duty of enforcement, as well as the executive police. Police is also doing the duty of challaning and other enforcement part. But it's not only enforcement which will matter actually. It's about the change in the behavior which actually matters in the road safety, in the different aspects of the road safety. अगर हम रोड सेफ्टी वीक के हवाले से बात करेंगे, 7 दिन खत्म हो चुके हैं, क्या आने वाले दिनों में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखें रोड सेफ्टी वीक जो हमने मनाया लास्ट डे उसका कल था 17 जनवरी को, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे ताकि लोगों के जहनों तक ये बात पहुँचाई जाए कि रोड सेफ्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और रोड जब भी हम यूज़ करें तो इसमें जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना ही